हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता किचन एंड आर्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा इडली। देखिए ये रवा है, आज हम रवा से इडली बनाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी एक फ्रेंड है जिसने कहा था कि आप दी मुझे इडली बनाकर बताइए, तो मैं आज ये रवा इडली बना रही हूँ। ये एकदम जल्दी फटाफट बन जाता है। इडली बनाने के लिए हमें दाल और चावल को रात में भिगोना पड़ता है, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेसर है, लॉन्ग टाइम में बनता है वो। अगर आपको फटाफट इडली बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो। इसका टेस्ट भी बिल्कुल इडली जो दाल चावल की इडली होता है वैसे ही होता है। तो आइए रवा इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। देखिए ये कप से मैंने मेजरमेंट किया है, इस कप से मैंने एक कप सूजी का लिया है, और अगर आप दो कप सूजी ले रहे हो तो उसमें एक कप दही डाली, मैंने वैसे ही लिया है। मैं तीन कप दही डाली हूँ तो उसमें छः कप सूजी का ली हूँ। और ये देखिए मैंने एक घंटा पहले इसे घोल करके रख दिया था, क्योंकि हम इडली बनाने के लिए दही सूजी को एक घंटे के लिए घोल के रखना पड़ता है। आप आधा घंटे के लिए भी रख सकते हो, तो इसलिए मैंने पहले ही रख दिया था। मैं तीन कप दही ली थी और इसमें छः कप सूजी डाली थी। ये छोटा कप से, आप जिस भी कप से या फिर कटोरी से मेजरमेंट कर रहे हो आप उससे आधा दही डालेंगे और दुगना डालेंगे ये रवा। तो ये देखिए मेरे रवा का जो बैटर है, इडली का बैटर है, बिल्कुल फूल गया है। ऐसे ही आपको बनाना है उसका बैटर जो है वो, और जितना हो सकता हो आप उसमें पानी मिला लें। इसमें मैं बेकिंग सोडा भी मिक्स कर दी हूँ, ये देखिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक। तो बेकिंग सोडा मैं पहले ही डाल दी हूँ, तो बेकिंग सोडा मैं नहीं डालूँगी, ये नमक मैं डालूँगी। और यहाँ है, मैं टमाटर को बारीक चॉप कर ली हूँ, ये धनिया है, प्याज को भी बारीक काट ली हूँ, और हरी मिर्च, इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी इडली बनती है एकदम डिफरेंट तरीका से। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ पहले। ये देखिए मैं सभी चीज़ों को मिक्स कर ली हूँ। ये बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। चलिए इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो इडली का बैटर है बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको इडली का जो बैटर है। ये देखिए ये हमारे इडली का सांचा। तो चलिए इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ऑयल डालना है हम इसमें ऐसे, और इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ऐसे ही हम सभी सांचों में ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सभी सांचों में अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल का। अब इसमें हम डालेंगे बैटर थोड़ी थोड़ी करके। ये देखिए एकदम फूल नहीं डालना है हमें, क्योंकि जब इसको स्टीम करेंगे हम भाप देंगे तो वैसे भी फूल करके ऊपर आ जाएगा। तो देखिए इतना ही डालना है। तो चलिए मैं सभी सांचों में भर लेती हूँ बैटर को। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सभी सांचों में अच्छे से बैटर को भर लिया है। ये देखिए, और थोड़ा सा हम इसे डैप करना है ऐसे, आप डैप कर दीजिए। इधर देखिए मैं इडली के सांचों में पानी डाल करके रख दी थी उबलने के लिए, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम एक एक करके अपने सांचा को डालेंगे। देखिए सबसे छोटा वाला सबसे नीचे डालूँगी मैं, फिर ये सेकेंड नंबर का डालू, अच्छा ये ऊपर वाला है, सबसे सेकेंड नंबर का डालना है हमें। ये देखिए फ्रेंड, ये सेकंड नंबर का सांचा मैं डाल दी। अब इसमें डालूंगी सबसे ऊपर वाला। देखिए अब इसका ढक्कन जो है हम कवर कर देंगे इसे। देखिए फ्रेंड, मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसे धीमी आंच पर पकने देंगे हम लगभग 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट। तो चलिए फ्रेंड हम चेक कर लेते हैं हमारा इडली बना कि नहीं। ये देखिए, देखिए एकदम अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसे मैं निकाल लूँगी बाहर। इसे थोड़ी देर और होने देंगे, तो इसे ढक देते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा इडली बिल्कुल तैयार है। लगभग 5 मिनट लगे ही इसे मुझे भाप में स्टीम करने के लिए। ये देखिए बहुत ही फटाफट बन जाती है रवा इडली। अब आप इसे चाकू की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से आसानी से निकाल सकते हो ऐसे। देखिए किनारे को आप हल्का हल्का सा प्रेस कीजिए अंदर की साइड,
देखिए, ये देखिए एकदम आसानी से निकल गया हमारा इडली जो है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनी हुई है। ऐसे ही हम सारे इडली को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैं सारे इडली को निकाल ली हूँ, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए ये तली भी बिल्कुल भी नहीं लगा है, एकदम क्लीन निकला हुआ है और बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है हमारा इडली जो है। तो चलिए इन्हें प्लेटिंग कर लेते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा रवा इडली जो है बिल्कुल तैयार है, एकदम गर्मा गर्म। ये देखिए, इसे आप सांभर के साथ या सॉस के साथ या फिर टमाटर चटनी, ये देखिए मैं लाल मिर्च वाला टमाटर की चटनी पीसी हुई हूँ, इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये इडली। इसमें तो मिर्ची ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हो। देख, आपने देखा ना कितना फटाफट बन गया हमारा इडली जो है, और बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए, अगर आपको मेरी रवा इडली बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।